प्रिय मित्रों, कई बार ऐसा लगता है कि पृथ्वी जब इतनी तेज गति से घूर्णन गति कर रही है तो हम इस पर टिके कैसे हैं। अगर ऐसा सोचें कि घूमती हुई एक बॉल है और उस पर एक छोटा सा पत्थर रखना चाहें तो पत्थर का वो टुकड़ा तेजी से छिटक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करेगा, mv2/r। तो हम क्यों नहीं छिटक जाते, हम छिटक कर स्पेस में क्यों नहीं चले जाते, ये प्रश्न सबके मन में उठता है। आंसर ये है कि हमारे ऊपर हमारे वायुमंडल का दबाव है, हमारे आसपास जो वायुमंडल है उसमें जो गैसें हैं, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हजारों किलोग्राम दबाव है। अगर गणना की जाए तो 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का दबाव एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डालता है, जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। ये जो वायुमंडल है लगभग 25 किलोमीटर ऊपर जाकर बहुत कम रह जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर स्पेस है, खाली है, कोई हवा नहीं है, हवा के मॉलिक्यूल्स बहुत कम हैं, और ये मॉलिक्यूल्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण पृथ्वी में टिके रहते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जब मून पर जाते हैं, मून तक भी जाते हैं, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कम है और वहाँ ये टिक नहीं पाते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण वो वहाँ से आ जाते हैं और इसीलिए मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। कई बार हमारे मन में ये आता है कि यहाँ से जो अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं वो कितनी दूर तक जाते हैं, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर है। तो निश्चित रूप से यह केवल 350 किलोमीटर दूर है। ये जितने अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ज़्यादातर वे 350 किलोमीटर दूर पृथ्वी की सतह से जाते हैं, जहाँ जाने के लिए लगभग 7 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, की वेलोसिटी से हमको प्रक्षेपित होना पड़ता है या हमको एस्केप होना पड़ता है। इससे कम वेलोसिटी से हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके अलावा हम इंटरनेशनल सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, बहुउद्देशीय उपग्रह छोड़ते हैं, जिससे कि ये कम्युनिकेशन बना हुआ है, मोबाइल का कम्युनिकेशन बना हुआ है, अन्य कई तरह के प्रोग्राम का हम लोग इससे कर पाते हैं। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से 36,500 किलोमीटर ऊपर स्थित हैं। यहाँ इतनी दूरी पर क्यों स्थित हैं, ये जियो स्टेशनरी के कारण है, जो इस समय की वार्ता का विषय नहीं है। यहाँ प्रक्षेपित होने के लिए हमें पलायन वेग चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कुछ दूसरे सैटेलाइट भी होते हैं जिन्हें हम लोग रिमोट सेंडिंग सैटेलाइट्स कहते हैं, वो अपने एप्लीकेशंस के अनुसार 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किए जाते हैं, वहाँ घूमकर सारी स्टडीज़ करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जब हमें ऐसा कभी मन में आता है कि अगर चंद्रमा पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से चंद्रमा पर अगर हम प्रक्षेपित होकर जाते हैं तो हमें पलायन वेग की आवश्यकता होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की आवश्यकता होगी। अगर इस स्पीड से हम जाते हैं तो हमको लगभग 3 दिन लगेंगे चंद्रमा के सतह से 250 किलोमीटर ऊपर किसी ऑर्बिट तक पहुंचने में, और यहाँ हम घूम सकते हैं लेकिन उतरने की जब तक बात है, चंद्रमा की सतह पर उतरने की बात है, उसकी सक्सेस आपने चंद्रयान मिशन में देखी है, क्योंकि सतह पर उतरना और लौट कर आना ये निश्चित रूप से एक टेक्निकली बहुत कठिन काम है। थैंक्स।